हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट उमंग हॉस्पिटल से आप सभी का मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे यूट्यूब के लाइव वीडियो पब्लिश हुए हैं और आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, आपको काफ़ी हेल्प हो रही, तो आज मैं एक नया लाइव वीडियो लेके आई हूँ। जो वीडियो है कि सिजेरियन रिलेटेड, कि सिजेरियन के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, मैं उठ पाऊँगी या नहीं, मैं चल पाऊँगी या नहीं, या मैं खाना खाऊँगी या नहीं, या फिर मुझे हॉस्पिटल में कितने दिन रखेंगे, ऐसे बहुत सारे मिथ्स है लोगों के मन में। सिजेरियन का नाम लिया तो पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते। ऐसे नहीं कि मैं सिजेरियन के फेवर में हूँ। नॉर्मल डिलीवरी जो है वो नेचुरल बर्थ रहती, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में भी हम लोग नीचे कट करते हैं आपके वजाइना पे, और सिजेरियन में हम लोग सामने कट करते हैं। उसके बाद आपको पेन होता है, लेकिन वो पेन जो है वो बेयरेबल रहता है, उसके लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं, तो एकदम ऐसे डरने जैसा नहीं है। तो आज का जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक क्या रहेगा कि सिजेरियन के बाद, मतलब आपका सिजेरियन हुआ, ऑलमोस्ट एक 24 घंटा कंप्लीट हो गए, आपका सेकंड डे आया है, सिजेरियन का जो है वो आपका फर्स्ट डे है, तो सेकंड डे जब भी आपका आता है, तो तभी आप जब उठते हैं, खड़े रहते हैं, तो आपको कितना पेन होता है, आप सहन कर पाते या नहीं, या आप हिल भी नहीं पाते, वो सब आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो ये हमारे सिजेरियन की पेशेंट है, इसका मैंने कल मॉर्निंग को सिजेरियन किया, 37 वीक्स वो कंप्लीट हुई थी, उसकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा प्रीशियस थी। लग्न लगे कितने वर्ष चले, शादी के ऑलमोस्ट 5 साल के बाद उसको ये प्रेगनेंसी हुई थी, और उसके बेबी का हेड जो है वो नीचे नहीं गया था, मतलब फ्लोटिंग हेड था, जिसको हम लोग CPD बोलते, सिफेलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन, और उसके बच्चे के अराउंड का पानी भी थोड़ा कम हो रहा था, इसलिए 37 वीक्स 1 डे को हम लोगों ने उसका प्लान सिजेरियन किया। तो पेशेंट कल सुबह एडमिट हुई थी, कितने बजे एडमिट चली, 6 o'clock एडमिट हुई थी, और हम लोगों ने सिजेरियन कितने बजे किया, 8:30 बजे मैंने उसका सिजेरियन स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 9:15 बजे तक मेरा सिजेरियन फिनिश हुआ था, 9:30-10 बजे हम लोगों ने उसको रूम में शिफ्ट किया था। तो पहले 24 घंटा पेशेंट पूरा लेट के थी, अभी 24 घंटे के बाद, मतलब आज का मॉर्निंग आया है, अभी ऑलमोस्ट 9:15 बज रहे, देखो तो 24 आवर्स हुए सिजेरियन के बाद। तो पेशेंट देखो आपके सामने बैठी है, जो यूरिन का बैग रहता है जिसको हम लोग फोलिस कैथेटर बोलते हैं, वो हम लोगों ने सुबह 8 बजे निकाला, अभी उसको यूरिन के लिए लेके जाने वाले हैं हम लोग। तो पेशेंट आपके सामने बैठी है, तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि ये पेशेंट को कितना पेन होता है, आप सामने देख सकते हैं। साइली तुला तक कितनी दुखते हैं, बिल्कुल नहीं। अभी पेशेंट तो बोल रही बिल्कुल नहीं, थोड़ा पेन तो रहता है आपको, हाँ उसको ये साइड में जो है वो पेन रहता है। अभी पेशेंट बैठी है तो आपको लगेगा कि अरे नहीं, बैठे बैठे तो पेन नहीं होगा, जब भी उठेंगे चलेंगे तभी पेन होगा। तो ये पेशेंट को हम लोग आपको एम्बुलेट करके दिखा रहे हैं। एम्बुलेट यानी क्या, कि आप उठ के चल रहे, तो अभी आप देखेंगे पेशेंट को, ये देखो, जब भी आप फर्स्ट टाइम उठते हैं तो आपको पेन होता है, टर्न गेट बस देखो, तो पेशेंट कितनी कंफर्टेबल है देखो, अभी उसको गैसेस भी पास हो रहे, तो गैसेस पास होने के बाद हम लोग सॉफ्ट डाइट स्टार्ट करते। सॉफ्ट डाइट में मैंने उसको अभी पोहा या उपमा या जो उसको जो पसंद है, इडली वगैरह खाने को बोला है। दोपहर को हम लोग दाल राइस बोलते, रात को भी दाल राइस बोलते। अपना मेन क्या है कि सिजेरियन के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैं उठ नहीं पाऊँगी, मैं चल नहीं पाऊँगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सिजेरियन के वक्त मैं ये जो साइड के एंगल बोलते हम लोग, वहाँ पर हम लोग एक लोकल एनेस्थेशिया का इंजेक्शन देते, उसको टैब बोलते, 10 ml 10 ml ऐसे दोनों साइड में 20 ml वो लोकल एनेस्थेशिया का इंजेक्शन देते, उसकी वजह से वो जगह पे उन लोगों को पेन नहीं होता है। और जब भी हम लोग स्पाइनल एनेस्थेशिया देते, यानी आपके बैक में जब एनेस्थेशिया का इंजेक्शन देते, उसमें भी थोड़े से पेन किलर के इंजेक्शन हम लोग मिक्स करते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते, उनको इतना पेन नहीं होता है। अभी वो आज का उसका ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूटी स्टार्ट करने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था अपना, कि सिजेरियन के 24 घंटे के बाद आपको कितना पेन होगा, आप चल नहीं पाएंगे या आप उठ नहीं पाएंगे, वो आपने प्रैक्टिकली आज देखा है कि हमारी ये पेशेंट है, हमारी ये मदर है, जिसका सिजेरियन होके हार्डली 24 घंटा हो गए, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखो उठ के चल रही, अभी वो यूरिन को भी जाएगी, ब्रेकफास्ट करेगी, तो एकदम ऐसे डरने जैसा नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने सिजेरियन बोला और आपको डर लग रहा है कि बाबा सिजेरियन के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होगा, मेरे पेट पे बड़ा कट आएगा, मैं चल नहीं पाऊँगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद
पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहो और हम लोग को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।